जैन, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं। कुछ ऐसे वर्ड जो हमें इंग्लिश में यूज करने में काफी प्रॉब्लम्स होती है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। ओके, सो प्लीज आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए एंड लास्ट में कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये चीजें समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। हमारा जो पहला कंफ्यूजन वर्ड होता है वो एज एंड लाइक होता है, ठीक है। देखिए, लाइक वर्ड जो है, ये लाइक जो है हमारा, यदि लाइक का बात किया जाए तो लाइक हमारा नाउन भी होता है, लाइक हमारा वर्क करता है वर्ब की तरह, लाइक हमारा वर्क करता है प्रीपोजिशन की तरह भी, ठीक है, प्रीपोजिशन की तरह भी ये वर्क करता है, काम करता है। ये आखिर कब नाउन की तरह काम करता है, कब आपका वर्ब की तरह काम करता है, कब प्रीपोजिशन की तरह। जैसे हम दो तीन एग्जांपल लिख रहे हैं, हमने बोला ही गॉट 4K likes, 4K likes जो आप फेसबुक वगैरह ये सब में देखते हैं, ठीक है ना। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, उसमें लाइक जो होता है ये हमारा क्या हो गया, नाउन का वर्क करता है, ठीक है ना, ये नाउन का वर्क करता है। आप देख सकते हैं ही गॉट 4K likes। ओके, दूसरा जो बात है, ये लाइक वर्ब, जैसे आई लाइक यू, ठीक है ना, आई लाइक यू, तो इसमें आपका लाइक क्या हो गया, जी वर्ब हो गया, ठीक है ना, इसमें आपका क्या हो गया, लाइक वर्ब हो गया। एक बात इसमें हम लोग को और समझना है कि कब ये प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, क्योंकि देखिए लाइक और एज जो हम लोग समझने वाले हैं, एज हमारा देखिए कंजंक्शन की तरह काम करता है और लाइक हमारा प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, जब दोनों का सेम मीनिंग होता है। सेम मीनिंग मतलब सिमिलर, एक जैसा या के जैसा कहने का अर्थ है, ठीक है। ऐसे एज हमारा एडवर्ब भी है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि लाइक हमारा कैसे प्रीपोजिशन है एंड एज कैसे हमारा कंजंक्शन है। देखिए दोनों का सेम मीनिंग होता है सिमिलर, ठीक है ना, सिमिलर होता है, ठीक, दोनों का मतलब होता है सिमिलर। अगर बात किया जाए एज का, तो एज हमारा होता है कंजंक्शन, ठीक है, एज किसका वर्क करता है, कंजंक्शन का, जबकि लाइक आपका वर्क करता है कैसा, तो प्रीपोजिशन का। लाइक कैसा वर्क करता है जी, तो प्रीपोजिशन का वर्क करता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, अगर ये कंजंक्शन का वर्क करता है तो कंजंक्शन का मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है, एड समथिंग, कनेक्ट से बना हुआ है कंजंक्शन, ठीक है ना। जैसे यदि हम एक सेंटेंस लिखे कि ही प्लेस ब्लैंक आई प्ले, ओके, ही प्लेस ब्लैंक आई प्ले, तो इसमें यदि आपका लाइक और एज दोनों दिया रहे, लाइक एंड एज दोनों दिया रहे, तो हमें किसका यूज करना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। यहां देखिए, ही क्या आपका सब्जेक्ट है, प्ले क्या है वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हमारा एक क्लॉज बनाता है, वी नो वेरी वेल, और यहां भी आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब है, यानी ये दोनों सब्जेक्ट एंड वर्ब, यहां भी सब्जेक्ट एंड वर्ब को ये जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए यदि लाइक और एज में से हमको चुनना पड़े तो वी मस्ट यूज एज हियर। क्यों? क्योंकि एज हमारा कंजंक्शन है, ठीक है, क्योंकि एज हमारा क्या है जी, कंजंक्शन है, ठीक। अगर हम ऐसे लिखे इसी सेंटेंस को कि ही प्लेस ब्लैंक मी, ही प्लेस ब्लैंक मी, तो यहां क्या हो जाएगा, ही प्लेस लाइक मी, ही प्लेस लाइक मी। क्यों क्यों लाइक होगा, क्योंकि यहां देख रहे हैं कि मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब मी हमारा प्रोनाउन है, और प्रीपोजिशन का कैरेक्टर होता है कि अपने साथ नाउन या प्रोनाउन हमेशा लेता है, मतलब उसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा कि जनरली प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है। यहां हम लोग एज का इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि इधर आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब है, बट इधर आपका सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इधर केवल आपका प्रोनाउन यूज हुआ है, इसलिए हम लोग इसमें किसका यूज करेंगे, लाइक का यूज करेंगे, ठीक है।
एक और देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इससे हम बोले कि सी परफॉर्म्ड ब्लैंक, सी परफॉर्म्ड ब्लैंक आई एक्सपेक्टेड। सी परफॉर्म, यहां भी सब्जेक्ट वर्ब है एंड इधर भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये तो जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो जोड़ने का काम कौन करता है, एज करता है। अगर सेम सेंटेंस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी परफॉर्म्ड ब्लैंक मी, सी परफॉर्म, उसने परफॉर्म किया, प्रदर्शन किया मेरे जैसा, तो मी यहां है, तो यहां मी आपका क्या है, प्रोनाउन है, यहां तो जोड़ नहीं ना रहा है, इसलिए हमारा यहां क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको किसकी जरूरत है, प्रीपोजिशन की जरूरत है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके बताएंगे कि विच वन इज यूज लाइक और एज। देखिए आपके लिए सेंटेंस है, माई सिस्टर कुक्स लाइक एज माई मदर। ओके, आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बनाने का कोशिश करिएगा, इट इज वेरी सिंपल। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि लाइक का यूज करेंगे या एज का, एंड व्हाई।